लाओ पहला कागज लाओ जो कागज या कागज आ साहब भाई का लाओ बाजू भाई आपने पोत पोतानु स्थान शांति थी ग्रहण करी लिए आपड़ी वच्चे कांग्रेस ना राष्ट्रीय नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजस्थान ना पूर्व नायब मुख्यमंत्री सन्माननीय सचिन पायलट साहेब अपनी वच्चे पधारी गया छे आपणे ताड़ीओना गड़गड़ाट थी एमनु स्वागत करिए अने टूंक समयनी अंदर ज आपणो कार्यक्रम एमनु पहेला स्वागत करीशु अने पछी आपणो कार्यक्रम चालू करीशु आपणा प्रजापति समाजना आगेवान श्री गुदरजी प्रजापति शंकरजी प्रजापति एमने विनंती के स्टेज आगळ आवे जल्दी 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 स्टेज आगळ आवे गुदरजी प्रजापति अने शंकरजी प्रजापति भाई जल्दी आओ आपणा गणपत भाई प्रजापति अणदास भाई प्रजापति हरीश भाई प्रजापति समग्र प्रजापति समाज जल्दी अहीं स्टेज आगळ पधारे क्या गया पागड़ी लेने आया था ना हेलो रमेश भी दरकारी करा दी ना ना बोलो ना अपनी बच्चे आपड़ा लोक लाड़ीला राष्ट्रीय नेता अने राजस्थान ना उप पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पधारी चुक्या छे एमनु तालियों थी स्वागत करवा विनंती एमने पण खबर पड़े कि आज बापूनगर में धारासभ्य हिम्मतसिंह पटेल अने कांग्रेस की लोकप्रियता एनी चरम सीमा पर छे आज तमे आज आटली मोटी संख्या में अहीं एकता थया छो एना परथी आपणे खबर पड़े छे के बापूनगर में हिम्मतसिंह पटेल जंगी बहुमती जीतवाना छे तो आप सौ એમાં સહભાગી બનો આપણા પ્રજાપતિ સમાજના આગેવાન પધારી ચૂક્યા છે એમને વિનંતી કે સચિન પાયલોટજીનું સ્વાગત કરે સબ એક સાથ કરો આપણા લોકપ્રિય ધારાસભ્ય હિંમતસિંહ પટેલ સચિન પાયલોટ આપણી વચ્ચે અહીં પધારી ચૂક્યા છે એમનું ભવ્ય સ્વાગત થઈ રહ્યું છે આપણા માટે ખૂબ જ આનંદની વાત છે કે એમણે સમય કાઢ્યો અને આપણી આ જાહેર સભામાં હાજર રહ્યા એમના માટે હું બાપુનગર કોંગ્રેસ સમિતિ વતી એમનું આભાર વ્યક્ત કરું છું હવે હું રમેશભાઈ દંતાણી અને લક્ષ્મણભાઈ ડાભીને વિનંતી કરીશ કે આપણા સ્ટેજ આગળ આવે રમેશભાઈ દંતાણી યોગેશ્વરનગર વાળા અને લક્ષ્મણભાઈ ડાભી યોગેશ્વરનગર વાળા એમને નમ્ર વિનંતી આ સભાના આયોજક પરેશભાઈ દેસાઈ અતુલભાઈ દેસાઈ પાર્થભાઈ દેસાઈ જીગરભાઈ દેસાઈ રમેશભાઈ દેસાઈ અને સર્વ યુવા આગેવાનોને વિનંતી કે સ્ટેજ આગળ આવે અને ધારાસભ્ય હિંમતસિંહ પટેલ અને આપણા મહેમાન શ્રી સચિન પાયલોટજીનું સ્વાગત કરે ખૂબ જલ્દીથી સ્ટેજ આગળ આવે આપણા અન્ય ભાષાભાષી સેલના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ કરણસિંહ તોમર અમદાવાદના પ્રમુખ પંકજભાઈ અગ્રવાલ ઉપેન્દ્રભાઈ શર્મા
सुरेश भाई तोमर, राहुल भाई पटेल, लोकेश भाई जैन, राजश्री भदौरिया, उपेंद्र शर्मा, संग्राम सिंह कुशवाहा, तरुण भाई शर्मा, ताजिद खान, शशि राव ने जन्मेश तोमर ने विनंती के सचिन पायलट जी ने स्वागत करे। आपड़ा आ सभा ना आयोजक परेश भाई देसाई, रमेश भाई देसाई अने एमनी युवा टीम धारासभ्य हिम्मतसिंह पटेल अने सचिन पायलट नु स्वागत करी रही छे। राजेश भाई दंताणी, राजेश भाई दंताणी, लक्ष्मण भाई डाबी जाओ आपड़ा विनुभाई देसाई अने एमनी टीम जयेश भाई एमनी टीम बधी स्वागत करी चुकी छे। આપણા સરસપુરના આગેવાન સિનિયર તેજસિંહભાઈ ગુર્જર, પાનસિંહભાઈ તોમર, રવિભાઈ ગુર્જર, મંગલ સુરજકર અને રાજેશભાઈ રાકેશભાઈ પરમાર એમને વિનંતી કે શ્રી સચિન પાયલોટ નું સ્વાગત કરે। હા બધા બધા આવશે, બધા આવશે, બધા આવશે, બધા બધા સબકા આ જાયેગા, ટેન્શન મત લો, સબ આયેંગે, સબ નામ હૈ અભી। हाँ हमें अपना मुकेश भाई खंडेलवाल, नरेंद्र भाई झाला, तेजस भाई बारोट, परेश भाई पटेल अने जयंती भाई सोलंकी ने विनंती के जल्दी थी स्टेज ऊपर आवे। फटाफट स्टेज ऊपर आवे अने स्वागत करे। अरे वो बस अब आ जाएगा, टेंशन मत। नरेंद्र सोलंकी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक अपॉइंट साइड, ओके लखी लो नरेंद्र सोलंकी। हवे श्री नरेंद्र सिंह सोलंकी संविधान ने भेट सचिन पायलट जी ने आपसे। धनु कुमार कश्यप, अब इतना मत बोले, यादव सर कश्यप अब आ जाओ फटाफट फटाफट। नरेंद्र भाई झाला ने विनंती के जल्दी स्टेज ऊपर आवे। श्री हर्षद भाई सोलंकी ने विनंती के स्टेज ऊपर आवे। आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, आ जाओ बड़ा करो, जालौर का बोल दो ना। हाँ बापू नगर के नाम लिए। अरे आए सबके आ रहे, टेंशन क्या को ले रहा है। हवे भीलवाड़ा सादड़ा विधानसभा ना राजेश गड़की ने विनंती के तेओ सचिन पायलट जी नु स्वागत करे। जालौर 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 कहाँ गया, जालौर का बोलो ना, रानीवाड़ा रहते हो, रानीवाड़ा। हवे बापूनगर ની ટીમ શ્રી સુરેશભાઈ તોમર, આપણા પૂર્વ પ્રમુખ યુથ કોંગ્રેસના રાહુલભાઈ પટેલ, એક મિનિટ એક મિનિટ એક મિનિટ આ રહ્યા છે, એક મિનિટ, હરેશ પટેલ, પરેશ પટેલ અહીંયા આવી જાય સ્ટેજ ઉપર। બાપુનગર વિધાનસભા ના જે ભી આગેવાનો છે હવે સ્વાગત વિધિ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ। બાપુનગર વિધાનસભાના જે આગેવાનો છે એ આવી જાય ને સ્વાગત સાહેબ નું કરી દે એટલે આગળનું હવે આપણે સભાનું કાર્યક્રમ ચાલુ કરીએ। રાજસ્થાન જાલોર થી જે ટીમ અહીંયા આવી છે એ ટીમ પાયલોટ સાહેબ નું સ્વાગત કરવા માંગે છે, એ ટીમ અહીંયા પાયલોટ સાહેબ નું સ્વાગત કરી રજનીભાઈ પરમાર સાહેબ ને સાયલ ઓળાવી દે અને હવે કાર્યક્રમ ની શરૂઆત કરીએ છે। સેવાદળ ની ટીમ સાહેબ નું સ્વાગત કરે, સેવાદળ ની ટીમ ફોટો
નામ બાપુનગર ના જે લોકો સ્વાગત કરું છે મંચ ઉપર આવી જાય કોંગ્રેસ વિધાનસભા ટીમ ના ચલો હવે બધા મહેરબાની કરીને ઇલેક્શન છે હવે સાહેબ ને પણ જવાનું છે બીજી મીટિંગો ની અંદર એટલે હવે આપણે કાર્યક્રમ ચાલુ કરીએ છીએ આજે આપણી વચ્ચે રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કેન્દ્રના પૂર્વ કેબિનેટ મિનિસ્ટર અને કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય આપણા યુવા નેતા સન્માનીય સચિન પાયલોટ સાહેબ બાપુનગર વિધાનસભાની અંદર આપણી વચ્ચે આજે આવ્યા છે ત્યારે આપણે સૌએ ખૂબ એમનું સ્વાગત કર્યું હવે આપણે તો રોજ મળીએ છીએ રોજ વાત કરીએ છીએ આપ સૌ જાણો છો ગુજરાત વિધાનસભાનું જે ઇલેક્શન ચાલી રહ્યું છે એ ઇલેક્શનની અંદર જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના 27 વર્ષના શાસનમાં જે આજે મોંઘવારી બેકારી બેરોજગારી અને એમના ગેરવહીવટ ને ભ્રષ્ટાચારોના કારણે પ્રજા ત્રાહિમામ પોકારી ગઈ છે આજે યુવાનોને રોજગાર નથી મોંઘવારી આસમાને છે અને સરકાર તમામ રીતે નિષ્ફળ ગયેલી સરકાર છે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ કોંગ્રેસના શાસનમાં 400 હતા આજે 1100 થઈ ગયા તેલનો ડબ્બો આપણા કોંગ્રેસના શાસનમાં 1000 રૂપિયાનું હતું આજે 3000 રૂપિયામાં મળે છે સરકારી શાળાઓ બંધ થઈ ગઈ ખાનગી શાળાઓમાં આપણે શિક્ષણ લેવું પડે છે હોસ્પિટલ સરકારી તાળા વાગી ગયા તમામ ક્ષેત્રે નિષ્ફળ ગઈ છે સરકાર ત્યારે આપણને 5 વર્ષમાં એક તક મળતી હોય છે કે આપણે કોને ચૂંટીને મોકલીએ જે સરકારને આપણે 27 વર્ષ સુધી અનેક વખતો વખત એમને આપણે તક આપી સત્તાના સુકાનો સોંપ્યા પણ એમને કોઈ પણ પ્રજાલક્ષી લોકોના સુખાકારી માટે મધ્યમ વર્ગ ગરીબ વર્ગ મજદૂર શ્રમિકો નાના નાના ધંધા રોજગાર કરવા વાળા કોઈના માટે કોઈ પણ કાર્ય ભાજપની સરકારમાં નથી થયું એક સામાન્ય વ્યક્તિને બીપીએલ કાર્ડ કાઢવું હોય તો પણ આ સરકાર કાઢી નથી આપતી દરેક લોકોને આજે આ સરકારમાં શોષણ અને ગરીબ વિરોધી સરકાર રહી છે ત્યારે આપણે સૌ 5મી તારીખે આ પંજાના નિશાન ઉપર 2017માં તમે મને આ વિધાનસભામાંથી ચૂંટીને મોકલ્યો છે તમારા આશીર્વાદ હંમેશા મારી સાથે રહ્યા છે અને સતત 5 વર્ષ સુધી તમારા સુખ દુઃખમાં તમારા સાથી તરીકે તમારા ભાઈ તરીકે હર હંમેશા તમારી વચ્ચે રહ્યો છું અને તમે જાણો છો કે ભારતીય જનતા પાર્ટી આજે અમદાવાદ કોર્પોરેશનનું શાસન હોય રાજ હોય કેન્દ્ર હોય બધે શાસનમાં છે પણ આજે તમામ ક્ષેત્રે પ્રજાની સુખાકારીમાં નિષ્ફળ ગઈ હોય ત્યારે તમારા હક અને અધિકારોની લડાઈ સતત 5 વર્ષ સુધી મેં લડી છે કોરોના કાળ હોય કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય હું તમારી વચ્ચે રહ્યો છું તમારા સુખ દુઃખના સાથી તરીકે તમારા ભાઈ તરીકે મેં હંમેશા મારા ઘરના દરવાજા તમારા માટે હંમેશા ખુલ્લા રહ્યા છે દિવસ હોય કે રાત હોય કોઈ દિવસ એવો નથી કે કોઈ મારા ત્યાં કોઈ સમય નક્કી હોય કે રવિવારની રજા હોય ગમે ત્યારે તમે તમારા કોઈ પણ કામ લઈને આવો તો મારાથી થાય એટલી તમામ મદદ કરવા મેં તમારા માટે પ્રયાસ કર્યો છે ત્યારે હું આપને હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું 5મી તારીખે પંજાના નિશાન ઉપર ક્રમ નંબર 3 ક્રમ નંબરમાં જો બહુ ગુચાતા નહીં આ વખતે એ ભીખના કારણે ગુજરાતમાં સૌથી વધારે અપક્ષ ઉમેદવારો આપણી વિધાનસભામાં ઉભા રાખ્યા છે એટલે બે બે મશીનો હશે એટલે મુંજાઈ ના જતા શાંતિથી પંજાનો નિશાન જોઈ લેજો 3 નંબર છે પંજાના નિશાન ઉપર તમારા આશીર્વાદથી અને તમારા પંજાના નિશાન ઉપર બટન દબાવીને ફરીથી 2022માં જ્યારે કોંગ્રેસની સરકાર બનવા જઈ રહી છે ગુજરાતમાં ભાજપને જાકારો મળી રહ્યો છે આજે ડબલ એન્જિનની સરકારની વાત કરનાર કે જેનો એન્જિન ફેલ થઈ જાય ને એને બીજા એન્જિનની જરૂર પડે એટલે આ નિષ્ફળ અને ફેલ સરકારને કાઢી મૂકવાનો સમય આપણી વચ્ચે આપણી પાસે
पांचमी तारीखे छे तो पांचमी तारीखे पंजा ना निशान उपर तमारा आशीर्वाद ने तमारी शुभकामनाओ थी अहियाथी मने फरी थी सेवानी तक आपीने विजय बनावशो ए बे हाथ जोड़ीने आपने अपील करू छू अने हवे हुं आपनी वच्चे मंचस अनेक अहिया छत्तीसगढ़ ना मंत्री पण बैठा छे राजस्थान ना पण मंत्री श्रीओ बैठा छे बीजा अनेक अमारा प्रदेश ना शहर ना अनेक आगेवानो बैठा छे पण सचिन पायलट साहेब ने अनेक कार्यक्रमो होवाथी ए आजे समय काढ़ी नहीं आया छे त्यारे हूँ बापूनगर विधानसभा वती आपणे एमनो खूब खूब हृदयपूर्वक नो आभार मानु छु अने हूँ सचिन पायलट साहेब ने हवे विनंती करीश के आपणे संबोधन करे सचिन पायलट सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी आप सबके कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार हमारे विधायक साथी बड़े भाई हिम्मत सिंह पटेल साहब हमारे छत्तीसगढ़ से मंत्री आए हैं प्रेम शाह सिंह जी जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में राजस्थान से मेरे साथ जो हमारे विधायक हैं सीकर जिले से सुरेश मोदी जी मंच पर हमारी पार्टी के सभी नेतागण मौजूद हैं साथियों आप सब जानते हो कि 5 तारीख को मतदान होगा और इस प्रदेश के आने वाले 5 साल की दिशा और दशा आपको तय करनी है और मैं आपके बीच में हिम्मत भाई के लिए समर्थन मांगने के लिए और वोट मांगने के लिए आया हूं आप सभी जानते हो पिछले 5 सालों में तमाम चुनौतियों के बावजूद तमाम रुकावटों के बावजूद हिम्मत भाई ने इस क्षेत्र का इस इलाके का पूरे जी से पूरे मन से तपस्या से एक भाव से सेवा साथ लेकर चलने का काम किया है और आज यही कारण है कि आप सबके बीच में एक लोकप्रिय विधायक आपके बीच में दोबारा आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं दोस्तों 27 साल से इस प्रदेश में भाजपा की सरकार है और लगभग 8.5-9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और आप लोगों ने भी देने में कमी नहीं छोड़ी जब चुनाव हुए विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव कई बार आपने भाजपा के साथियों को मौका देकर देखा इन पिछले 27 सालों में और केंद्र में पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं जो नीति नियम कानून प्रावधान बनाए हैं उनके दम पर वोट मांगने की हिम्मत भाजपा में नहीं है और गुजरात की सरकार के काम के दम पर 5 साल की रिपोर्ट कार्ड के दम पर अगर वोट मांगते तो बात अलग होती आज पूरी सरकार को बदल दिया सारे मंत्री बदल दिए मुख्यमंत्री बदल दिए और अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री जी को रक्षा मंत्री जी को गली गली गांव गांव घर घर जाना पड़ रहा है वोट मांगने के लिए वो इस बात को दिखाता है कि पिछले 5 साल में इस प्रदेश में सिर्फ विज्ञापन छपे हैं इश्तिहार दिए गए हैं गांव में गली में चौपाल में तालुका में जो विकास होना चाहिए था ग्रामीण क्षेत्र में किसान का गरीब का मध्यम वर्ग का दुकानदार का दलित का बेटे का बेटी का बुजुर्गों का वो इस सरकार नहीं कर पाई है और मैं हिम्मत भाई को बहुत लंबे समय से जानता हूं जब यहां पहली बार महापौर बने थे तब से इस पूरे शहर की इन्होंने देखरेख करी है और एक ईमानदारी से सेवा कर आपके बीच में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है ये मूलतः राजस्थान से आते हैं लेकिन बावजूद उसके इस शहर में सालों साल दशकों तक रहकर अपनी जगह बनाई है और आप ही के आशीर्वाद से ये विधानसभा पहुंचे हैं आज आपको तय करना है आकलन करना है अपनों में पराए में नीति और नियत में कौन बोलता है कौन करता है बीजेपी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी जब उनको मौका मिला ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों का हित सीधा नहीं आज जीएसटी हो नोटबंदी हो कोरोना काल के समय हो किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए हम सब के सामने हैं हमारी सरकार कांग्रेस की केंद्र में रही थी आप सब इस बात को जानते हो नरेगा का कानून सूचना का अधिकार शिक्षा का अधिकार खाद्य सुरक्षा का अधिकार और 14 करोड़ लोगों को इस देश में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया मनमोहन सिंह जी की सरकार में आज हमारे प्रधानमंत्री जी मौका ढूंढते हैं कि उसने मेरे को भला बुरा कह दिया मेरे बारे में ये कह दिया हिंदू की मुसलमान की मंदिर की मस्जिद की मजहब की धर्म की जाति की भाषा की इन बातों पे चर्चा कर चुनाव को लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि विकास का आप अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ
कितना पैसा यहां पर लगा है, जो दावे आपने किए थे, जो पिछली बार का आपका घोषणा पत्र था उसमें से कितना काम आप लोगों ने किया है। तो हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझकर एक मैनिफेस्टो बनाया है और हम लोगों ने जो कहा है वो कर दिखाया है। आज आपसे हम वोट मांगने आए हैं क्योंकि बदलाव की लहर हर जिले में इस गुजरात प्रदेश में फैली हुई है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी संपन्न हुए हैं, मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हमें जज्बात और भाव में नहीं बहना है, हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए, निवेश के लिए, शहरी विकास के लिए, मध्यम वर्ग के दुकानदार, छोटे हमारे व्यवसाय करने वाले लोगों के भविष्य के बारे में सोचना है। इसलिए 5 तारीख को जब मतदान होगा, हिम्मत भाई बहुत मधुरभाषी हैं, सबसे संबंध अच्छे बने इनके, जब महापौर थे तब भी, जब विधायक थे आज भी। इनके विरोधी भी जानते हैं इस बात को कि बोलने में, व्यवहार करने में, रिश्ते बनाने में ये किसी से पीछे नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है हमेशा की तरह आप लोग आशीर्वाद हमारी पार्टी को देंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस विधानसभा चुनाव में बहुत से लोगों को प्रायोजित किया गया है। मैं पूछ रहा था कि कितने निर्दलीय खड़े हैं, हिम्मत भाई कितने निर्दलीय खड़े हैं? 27 लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, ये 27 लोग जानते हैं कि विधायक नहीं बनेंगे, ये किसका नुकसान करने के लिए खड़े हैं? ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने के लिए खड़े हैं कि 100, 50, 200, 500 वोट खराब करूं ताकि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीते। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, लोकतंत्र में, जमहूरियत में एक एक वोट की कीमत है, अपनी वोट जाया ना करें, अपनी वोट खराब ना करें। जाति पाति धर्म से उठकर जिसको देखा है परखा है उसको दोबारा अपना आशीर्वाद दें और एक एक वोट हाथ के पंजे पर डालें ताकि भारी बहुमत, जितना बहुमत पहले दिया था उससे ज्यादा बहुमत के साथ आप हिम्मत भाई को जिताकर भेजो। ये निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। चुनाव प्रचार का समय कम बचा है, 2-3 दिन का समय है। अभी मैं देखा देश के नेता, राष्ट्र के नेता यहां पर आकर गली गली घूम रहे हैं, लेकिन जो आपके बीच में आपके दुख सुख के साथी रहे, हमेशा आपका साथ नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों पर दोबारा आप कृपा दोगे तभी जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो समझेगा कि मेरी मेहनत का यही फल होता है कि मेरा बटन दबे, 5 तारीख को मतदान करना ताकि 8 तारीख को जब गिनती होगी तब इस विधानसभा क्षेत्र से पहले से कहीं ज्यादा बहुमत लेकर हिम्मत भाई विधानसभा पहुंचे और हमेशा की तरह आपकी सेवा करते रहे। ये निवेदन करने के लिए आया था। मैं ऊपर वाले से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, सुखी रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो और भगवान आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। हेलो, बीजेपी ना સરસપુરના થોડા કાગેવાનો કોંગ્રેસમાં જોડાય છે, પ્રવીણભાઈ કલાત્મિક, ચહેરસિંહ ઠાકોર, મંગુબેન મહેરિયા, દિનેશભાઈ જાદવ, દિનેશભાઈ ભાનુતર, રામાભાઈ પરમાર, દિલજીતભાઈ આશીર્વચન, દિનેશભાઈ પરમાર, ભાસ્કર કલાત્મિક, અશોકભાઈ નાથાભાઈ, ડીસી પારસિયા અને જગદીશભાઈ ચૌહાણ, આ બધા મંચ ઉપર આવી જાય જ્યાં હોય, અને ભાઈ તરુણભાઈ સાધુ અને અમારા ગુજરાત પ્રદેશ યુવા કોંગ્રેસના મહામંત્રીની ટીમ, તરુણ સાધુ અને યુથ કોંગ્રેસની બાપુનગર વિધાનસભાની ટીમ સચિન પાયલોટનું સ્વાગત કરવા આવી છે મોટી સંખ્યામાં રેલી આકારે, હું એને ઉકારું છું પ્રદેશ યુવા કોંગ્રેસ કે મહામંત્રી। भाई तुम आगे बढ़ो। आभार यूथ कांग्रेस टीम, सबनो आभार।